पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकानदार और ग्राहक के बीच महज 35 रुपए को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडों की लड़ाई में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गाँव सहवाजपुर का है, जहाँ एक युवक पर दुकानदार के 35 रुपए उधारी के चल रहे थे। दुकानदार के द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दबंगों के द्वारा वही बीच बचाव करने आई गर्भवती महिला के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके कारण गर्भवती महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको अलीगढ़ चिकित्सालय भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा थाना विजयगढ़ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। सर, हम दुकानदार पैसे देने गए थे, हाँ, फिर उन्होंने मैंने कि पैसे काट लो अपने, तो हम ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने भैया तमीज से बात किया, अगर वो इतनी देर में तो मेरे सर में डंडा मार के। कौन लोग थे? इसी बात को लेकर हुआ झगड़ा बस, तो उसके बाद थाने में शिकायत करी है आपने? नहीं जी सर, कल गए थे, सो वहाँ से एक सिपाही आए थे हमारे पास। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। क्या लोग घायल हैं आपकी तरफ? हमारी तरफ पिताजी का छोटा टूट गया है। क्या लोग हैं? 5 लोग हैं सर। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।